السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم مشاهدين الكرام ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, आज की इस मुलाकात का उन्वान है उम्मत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले जो चल रहे हैं उसमें आज उन्वान है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत हैं। उम्मत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ को अच्छी तरह समझाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक बहुत सारी बातें आप हजरात के सामने आ चुकी हैं। आज मैं मुख्तसर तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और अपनी उम्मत पर शफ़क़त और प्यार को बतलाना चाहता हूँ। ये अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा हमारे और आपके ऊपर एहसान, मेहरबानी और करम है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ऐसे नबी बरहक का उम्मती बनाया है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर निहायत मेहरबान रहमदिल हैं और अपनी उम्मत के साथ बेहद शफीक और अपनी उम्मत के साथ निहायत प्यार और मोहब्बत का मुआमला करने वाले हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आपकी रहमत के बारे में कुरान करीम ने गवाही दी है। चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 के अंदर बबागे दोहल ऐलान फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने दोनों जहान वालों के लिए, आलमीन के लिए सरापा मुकम्मल रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा रहमत बनाया है, सरापा मेहरबान बनाया है। चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रहीम और रऊफ़ हैं, अपनी उम्मत पर बेपाया शफ़क़त करने वाले हैं और अपनी उम्मत से बेपाया रहमत और मेहरबानी करने वाले, रहम मिजाज, रहम दिल, रहम खूँ हैं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने। सामईन कराम, सूरह तौबा की आयत नंबर 128 ज़रा पढ़िए और तर्जमा और तफसीर देखिए ताकि हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकें और अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के साथ किस दर्जे तक
शफीक महब्बत करने वाले और रहमदिल थे। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अंफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैहिम बिलमुमिनीन रऊफुन रहीम। सूरह तौबा आयत नंबर 128। तर्जमा इस तरह से है कि तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर नबी और रसूल तशरीफ लाए जो तुम्हारे जिन्स से हैं, तुम्हारे जिन्स से हैं यानी बनी आदम में से हैं, बशर हैं, इंसान हैं, जो तुम्हारे लिए बेहद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु के बारे में फरमा रहा है, जिनको तुम्हारी मजरत की बातें, तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली बातें निहायत गिरा गुजरती है। आयत करीमा का मफहूम ये निकला, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, कि हर वो चीजें जिसमें तुम्हारे लिए नुकसान है दुनियावी एतबार से या उखरवी एतबार से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहले ही पहल निहायत तकलीफ देह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निहायत ही गिरा गुजरती बोझ महसूस करता है। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम की शफ़क़त और महब्बत पर दलील है। अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि हरीसुल अलैहिम बिलमुमिनीन रऊफ रहीम, वो तुम्हारे महब्बत के तुम्हारे साथ महब्बत करते हुए तुम्हारे लिए फायदेमंद चीज़ें मनफात के बहुत ही चाहने वाले और बहुत ही ख्वाहिशमंद रहते हैं। ईमान वालों के साथ बड़ी ही शफ़क़त और मेहरबानी का मामला फरमाते हैं। इस आयत करीमा में जहाँ बहुत सारी मालूमात भरी पड़ी हैं, वहीं पर वाज़ेह तौर पर ये बात मालूम होती है, यकीन की हद तक, यकीन के साथ हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए, अहले ईमान के लिए निहायत रऊफ और रहीम और निहायत मेहरबान हैं। इस तरह के से बहुत सारी आयतें और अहादीस और वाकयात भरे पड़े हैं, सच्चे वाकयात, जिससे अंदाज़ा होता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर उमूमी तौर पर और अहले ईमान पर, अहले तकवा पर, अहले इस्लाम पर, अल्लाह ताला के नेक खूब बंदों पर बहुत ही करीम, बहुत ही रहीम, बहुत ही शफीक और बहुत ही मेहरबान है। और सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसाते खुद मेहरबान हैं उम्मत के साथ, उनसे महब्बत करने वाले हैं, बल्कि बेशुमार अहादीस के अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मेहरबानी की तालीम दी है, दूसरों के साथ रहम व करम करने की तालीम दी है, दूसरों के साथ शफ़क़त करने की तालीम दी है। बल्कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये तरगीब दी है, अपनी उम्मत को इस बात पर उबारा है कि वो आपस में प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करें, नरमी का बर्ताव करें, मोहब्बत का बर्ताव करें, हर आदमी दूसरे के साथ मेहरबानी वाला मुआमला करें, इस तरह कि गोया सारे के सारे एक बदन और एक जिस्म है, जिस तरह जिस्म का हर अज़ दूसरे अज़ के साथ नरमी का मामला करता है, शफ़क़त का मामला करता है, महब्बत और मेहरबानी का मामला करता है,
इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात पर उभारा है। और उम्मत मुहम्मदिया में मुख्तलिफ अंदाज के, मुख्तलिफ क्वालिटी और ग्रेड के, मुख्तलिफ मिजाज के लोग पाए जाते हैं। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद शुदा अहादीस बगौर पढ़ेंगे और मुताला करेंगे तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तरगीब दी है, हमें ये तालीम दी है कि हम अपने दिलों के अंदर रहमत और मोहब्बत कूट कूट कर भरकर अपने अपने समाज के साथ, अहले ईमान के साथ प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करें। चुनाचे देखिए समाज के अंदर कुछ लोग यकीनन हमारी और आपकी मेहरबानी के हकदार, जरूरतमंद और मेहरबान होते हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में, अपनी रहमत और मेहरबानी के बारे में बयान करते हुए उम्मत को तालीम दी है यतीम के बारे में, अनाथ के बारे में। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकदा व अशारा बिस्साबा वल उस्का। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल देखिए यतीमों के साथ मेहरबानी अल्लाह के रसूल की, और अपने उम्मत को इसकी तालीम देना फरमाने दो जहां, अब फरमाने अल्लाह के रसूल है कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम की देखरेख करने वाला, यतीम को पालने पोसने वाला जन्नत के अंदर ऐसे ही रहेंगे। और अल्लाह के रसूल ने इन दोनों उंगलियों से इशारा किया कि इन दोनों उंगलियों की छोटाई बड़ाई में जितना डिफरेंस और फर्क है बस इतने ही हमारे उसके दरमियान होगा, या दोनों उंगलियों के दरमियान में जितनी जगह। ये अल्लाह के रसूल की रहमत है, ये अल्लाह के रसूल की अपने उम्मत के यतीमों के साथ शफकत, और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने उम्मत के गरीब लोगों के साथ, नादार लोगों के साथ ये शफकत है। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद वसीयत किया है सूरह दुहा की आयत नंबर 9 के अंदर, फअम्मल यतीमा फला तकहर, यतीमों को झिड़को नहीं, यतीमों को डांटो नहीं, यतीमों को फटकारो नहीं, यतीमों के साथ बेजा सख्ती का बर्ताव ना करो। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप रहमत का अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के बेवाओं के साथ, मिस्कीनों के साथ, गरीबों के साथ, जरूरतमंदों के साथ क्या फरमान जारी फरमाया है। रिवायत हज़रत अबू हुरैरा की है, अल्लाह के रसूल अकरम सल फरमाते हैं, अस्सारी अलल अरमिला वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। ये बुखारी शरीफ की और मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है। ये अल्लाह के रसूल की रहमत है उम्मत के साथ, ये आपकी शफकत है, ये आपकी मेहरबानी है। फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अस्सारी अलल अरमला वल मिस्कीन, मिस्कीनों, नादारों, फकीरों, जरूरतमंदों और बेवाओं की जरूरियात पूरी करने में कोशिश करने वाला, सिर्फ कोशिश करने वाला, भागदौड़ करने वाला, तगदो करने वाला, बेवाओं की जायज जरूरियात पूरी करने के लिए कोशिश करने वाला, मिस्कीनों, मोहताजों, जरूरतमंदों, नादारों की जरूरत को पूरी करने में कोशिश करने वाले की मिसाल अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है। यह रहमत है अल्लाह के रसूल की अपने उम्मत के साथ कि अल्लाह के रसूल खुद सरापा रहमत थे और अपनी उम्मत को इस तरह के रहम व करम, शफ़क़त व मोहब्बत का बर्ताव करने पर उभारा है और तालीम दी है। हज़रत अबू हुरैरा की एक रिवायत आप सुनिए, एक आदमी, और ये मुस्नद अहमद की रिवायत है और मुहद्दिसीन ने कहा है कि इसके रवायत सारे के सारे सहीह के रवायत हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम के पास एक आदमी तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम, मेरा दिल सख्त है, मेरा दिल पत्थर दिल है, असावत कल्बी मेरे अंदर पाई जाती है, सख्त दिली पाई जाती है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम ने
उनके दिल की सख्ती और कसावत कल्बी को दूर करने के लिए कहा, इम्सह रासल यतीम व अतइमिल मिस्कीन, यतीम के सर पे हाथ फेरो। यतीम जाहिर सी बात है, एक आदमी जो हसास दिल होगा, जो अपने बाप के वजूद की अहमियत को समझता होगा, जब वो किसी यतीम से मेल जोल करेगा, उसके पास खड़ा होगा, उससे गुफ्तगू सुनीत करेगा, यकीनन उसके दिल में जो सख्ती होगी वो दूर होगी। यतीम के सर पे हाथ फेरो वो अतइमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना खिलाओ। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, हमदर्दी, गमगुसारी फकीरों के साथ कैसी थी, कैसी फकीरी थी, कितनी हमदर्दी थी, आप इसका अंदाजा इस हदीस से कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वलीमे की दावत पर की मदम्मत फरमाई है जिसमें गरीबों को छोड़ दिया जाए, यतीमों को छोड़ दिया जाए, फकीरों मिस्कीनों को भुला दिया जाए। चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम ने फरमाया, 20 तामु तामुल वलीमा, उस वलीमे का खाना सबसे बुरा खाना है, युदा इलैहिल अग्निया, जिसमें मालदारों को दावत दी जाए और फकरा और मसाकीन को छोड़ दिया जाए। यह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम की तालीम है। इसी तरीके से सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत, जिससे हमें यह बात मालूम होगी कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब जिगर किस तरह रहमत से भरा हुआ था, मेहरबानी और शफकत से भरा हुआ था, और हमें उसी की तालीम दी है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, आप देखेंगे आज के समाज में या जमाने जाहिलियत में भी, आज के बिगड़े माहौल की वजह से और जमाने जाहिलियत में भी, बच्चियों के सिलसिले में कोई बहुत ही कुशादा दिली का सबूत नहीं देता है। आज भी अगर किसी के यहाँ बच्ची पैदा हुई तो बहुत पहाड़ उसके सर पर टूट जाता है, समाज के बिगाड़ की वजह से, शादी ब्याह में जहेज और दिगर इंतजाम करने की ताकत ना रखने की वजह से, वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, कमजोरों के साथ किस तरह शफकत का बर्ताव किया है, मोहब्बत का मामला फरमाया है, और अपनी उम्मत को किस तरह इस पर उभारा है। चुनाचे एक रिवायत सुनिए, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा अना व हुवा कहातैन, जिसने दो बच्चियों की परवरिश की, वो भी किसी गैर की नहीं, अपनी दो बच्चियों की परवरिश की, यहाँ तक कि वो बालिग हो गए, यानी बुलूगत तक अपने दोनों बच्चियों की अपनी ताकत के हिसाब से परवरिश की, देख रेख किया, खच बच का इंतजाम किया, तो क़ियामत के दिन आएगा और मैं और वो ऐसे ही रहूँगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, यानी हमारे उसके बीच में इतना ही फासला रहे। ये रहमत ही है, ये शफकत ही है, ये मोहब्बत ही है अल्लाह के रसूल की अपनी उम्मत के साथ, कि अपने बच्चियों के साथ भी अल्लाह के रसूल ने यही बर्ताव किया और अपनी उम्मत को भी इसी की तालीम दी। चुनाचे ऐ लोगों, अपनी बच्चियों के साथ शफकत का मामला करो, हर मामले में नरमी का मामला करो, हर मामले में जहाँ तक जायज और दुरुस्त है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें ऐसी वारिद हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ रहमत, शफकत और मोहब्बत टपकती है। सुनन नसई की एक रिवायत जिसकी सनद जयद है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रज हक़्क़ ज़ईफ़ैन अल-यतीम वल-बरा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हरज महसूस करता हूँ दो कमज़ोरों के बारे में। कौन से वो दोनों कमज़ोर हैं? एक यतीम है, एक औरत है। और हरज से मुराद कि कहीं ऐसा ना हो यतीम का हक अदा ना हो पाए, औरत का हक अदा ना हो पाए और हम गुनाह में पड़ जाए।
इसी तरीके से अल्लाह के रसूल की रहमत और शफकत इस बुखारी शरीफ के एक रिवायत में आप महसूस कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हल तुंसरून व तुरज़कून इल्ला बिदुअफाइकुम, सुन लो तुम्हारी जो अल्लाह ताला की जानिब से मदद मिलती है होती है, तुम्हें जो अल्लाह ताला की जानिब से मदद मिलती है या जो अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क अता करता है, ये तुम्हारे कमजोरों की वजह से अता करता है, ये तुम्हारे कमजोरों की वजह से अता करता है। और ये रिवायत अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही सुने नसई के जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 659 के अंदर सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराफा रहमत, सराफा उम्मत के साथ शफ़क़त और आपकी मेहरबानी का अंदाज़ा सही बुखारी और सही मुस्लिम मुत्तफ़क़ अलैह इस रिवायत से कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन ला यरहमिन नास ला यरहमुल्लाह, अल्लाह ताला हमारे दिलों से सख्त दिली को ख़त्म कर दे, असावत कल्बी को दूर कर दे, हमारे दिल को मोम बना दे, यतीमों के सिलसिले में, बेवाओं के सिलसिले में, कमज़ोरों के सिलसिले में, फ़कीरों मिस्कीनों के सिलसिले में, ज़रूरतमंदों के सिलसिले में और अपाहिज लोगों के सिलसिलों में अल्लाह ताला हमारे दिलों में रहमत डाल दे, मेहरबानी डाल दे। अल्लाह के रसूल से बयान करदा इस रिवायत जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल की रहमत उम्मत के साथ, आपकी शफकत आपकी मेहरबानी उम्मत के साथ अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ला यरहमिन नास ला यरहमुल्लाह, जो लोगों के ऊपर मेहरबानी नहीं करेगा, जो लोगों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत नरमी और मेहरबानी का मामला नहीं करेगा, अल्लाह उसके साथ रहमत और मोहब्बत और नरमी का मामला नहीं करेगा। और दूसरी रिवायत जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है मन ला यरहम ला युरहम, जो किसी दूसरे पर मेहरबानी नहीं करेगा, रहम नहीं करेगा, किसी दूसरे के साथ मोहब्बत का मामला नहीं करेगा, नरमी का मामला नहीं करेगा, उसके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों साथियों, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और मोहब्बत रहमत और मेहरबानी का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली गरीबों के ऊपर नहीं, खाली यतीमों बेवाओं ज़रूरतमंदों अपाहिजों के ऊपर नहीं, खाली इंसानों ही के ऊपर नहीं, यहाँ तक कि हैवानों पर भी अल्लाह के रसूल अकरम बहुत ही करीम, बहुत ही रहीम, बहुत ही मेहरबान और उससे बहुत ही ज्यादा शफ़क़त और मोहब्बत करने वाले थे। चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया हैवानों के बारे में, जानवरों के बारे में इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शय, अल्लाह ताला ने हर चीज पर एहसान को वाजिब कर दिया है, हर चीज पर एहसान को फर्ज कर दिया। फ़ैदा कतल तुम फ़ाहसनुल कतला, चुनाचे जब तुम किसी जानवर को कत्ल करो या उसे ज़बह करो तो अच्छी तरह कत्ल करो और अच्छी तरह ज़बह करो, और चाहिए कि अपने जानवर को ज़बह करने से पहले अपनी छुरी को तेज कर ले, अपनी छुरी को तेज कर ले। बल्कि एक रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक जानवर को दूसरे जिंदा जानवर के सामने लेटा कर न ज़बह करे कि वो देख करके तकलीफ में हो जाए, जानवर को खींच कर मज़बह तक ज़बह करने की जगह तक बेदर्दी के साथ खींच कर ना लाए। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम की रहमत के सिलसिले में बयान करदा अहादीत है। और अगर वाकयात की दुनिया में आप सही वाकया सही किस्से और कहानियाँ अगर अल्लाह के रसूल के रहमत के बारे में, अल्लाह के रसूल की मेहरबानी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें देखना चाहें तो अल्लाह के रसूल अकरम सस्म की सीरत पाक का मुताला कीजिए, चाहे वो गजबात की दुनिया हो और चाहे वो सराया की दुनिया हो या आम हालात हो, अल्लाह के रसूल की मेहरबानी ही को देख कर और लोगों के साथ आपके शफ़क़त और मोहब्बत ही को देखकर लोग मुसलमान हुआ करते थे।
और ये सही वाकया आपने कई बार सुना होगा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है, अचानक एक बद्दू आता है मस्जिद के सामने पेशाब करने लगता है। सहाबे कराम ने जब देखा कि वो मस्जिद के अंदर पेशाब कर रहा है, सहाबे कराम उसको झिड़कने लगे, डालने लगे। अल्लाह के रसूल ने सहाबे कराम को कहा, माह माह छोड़ो इसको, अपनी जरूरत पूरी कर लेने दो। मस्जिद के अंदर अल्लाह के रसूल के सामने एक बद्दू पेशाब कर रहा है, सहाबे कराम को ये बात नागवार गुजरी। और सहाबे कराम इंसानी नुक्ते इंसानी इंसानियत के पेश नजर जज्बात में आ गए, उस बद्दू को डांटना शुरू कर दिया, झिड़कना और फटकारना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल ने सहाबे कराम को रोका, डांटा, कहा नहीं मत झिड़को उसको, अपनी जरूरत पूरी करने दो। फिर बद्दू को बुलाया और कहा, देखो ये मस्जिद पखाना पेशाब के लिए नहीं है। यहाँ तक कि वो आदमी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस करीमाना अंदाज से, इस महब्बताना और मेहरबानी के अंदाज से मुतसर होकर कहा कि ए अल्लाह से मोहब्बत बनाम कर। और ऐसे कितने वाकयात अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम की जिंदगी में बने पड़े हैं। इसी तरीके से फतह मक्का का वाकया सबके सामने है कि वही अहले मक्का जिन्होंने अल्लाह को के रसूल को कौन सी ऐसी तकलीफ नहीं है जो उन लोगों ने ना दिया, जबान से, हाथ से, डंडे से, सारे लोग। और जब सन 8 हिजरी में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम मक्का में फातिहाना शान से दाखिल होते हैं और कुफार मक्का सब बसब खड़े हैं कि आज फातिहाना शान से मोहम्मद का दुखूल हुआ मक्का में, मालूम नहीं मेरे साथ क्या फैसला किया जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा, ला तसलीब अलैकुम इذهبوا وانتم الطلقاء, जाओ आज कोई सरजनिश नहीं है, तुम सारे के सारे आजाद हो। जालिम से लिया जुल्म का बदला ना किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला ना किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। बर लाने वाले का मतलब जहां तक मैं समझता हूं कि अज खुद हर एक की मुराद पूरी करने वाला नहीं, बल्कि हर एक की चाहत को पूरी करने के लिए कोशिश करने वाला। वो रबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुराद गरीबों की भर लाने वाला। बेशुमार वाकयात आपको रहमतुल आलमीन की रहमत के बारे में, शफील मुद्रबीन के करम और मेहरबानी के बारे में आप पाएंगे मेरे भाइयों साथियों। इसीलिए तो जानवर भी अल्लाह के रसूल से आकर के शिकायत करते थे अपने मालिक के जुल्म ज्यादती की। और बहुत सारे वाकया तो ताइफ के बाजार में, ताइफ की गलियों में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो नारवा सलूक किए गए, मारा गया, पीटा गया, यहां तक कि जिसमें अतहर का खून जूती मुबारक में जम गया और बिना किसी कसूर के। और जब पहाड़ का फरिश्ता होता था, कहो तो दोनों पहाड़ों के बीच में इन्हें पीस दूं, तो रहमतुल आलमीन का अंदाजा। कहा नहीं 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 नहीं, ये अगर मुसलमान नहीं हो रहे तो ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्ल मुसलमान होगी। मेरे भाइयों साथियों, गजवात के अंदर भी अल्लाह के रसूल की रहमत देखिए, जंगों के अंदर भी अल्लाह के रसूल की रहमत दी गई। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमा दिया कि औरतों को कोई कत्ल नहीं कर सकता, बच्चों को कोई कत्ल नहीं कर सकता, बूढ़ों को जिनका जंग में कोई हाथ नहीं उनको कोई कत्ल नहीं कर सकता, पादरियों को उनके इबादत खानों में कोई कत्ल नहीं कर सकता, पेड़ों और पौधों और फसलों को कोई जला नहीं सकता। एक नहीं हजारों वाकयात है मेरे भाइयों साथियों। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है अपनी उम्मत के साथ, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शफ़क़त है, जो मेहरबानी है, जो करम है अपनी उम्मत के साथ, अनगिनत तो बेशुमार है। और एक एक पढ़ते जाइए, सुनते जाइए और अपने दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को जिंदा करते जाइए। अल्लाह के सलात व सलाम का बेबहा बेशुमार नजराना पेश हो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल औलाद पर, आपके सहाबे किराम पर, और आपकी ज़ुर्रियत पर, और आपकी इत्तबा करने वाले, क़यामत तक इत्तबा करने वाले लोगों के ऊपर। तो ये मुख्तसर तौर पर मैंने चंद अहादीस की तरफ इशारा किया।
ये बतलाने के लिए कि अल्लाह के रसूल अकरम सल अपनी उम्मत के लिए बहुत ही रहीम, बहुत ही रऊफ, बहुत ही शफीक, बहुत ही मेहरबान थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ए अल्लाह तो हमें अपने नबी करीम ससम के हुकूक की मुकम्मल अदायगी करने वाला बना, और हमें भी अपने भाइयों के लिए या उन लोगों के लिए जो हमारे मेहरबानी के हकदार हैं उनके साथ शफकत, महब्बत और मेहरबानी का बर्ताव करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना व अला आलिही व असहाबी अजमईन व बारिक अलैहिम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।